खटीमा में गला रेत कर हुई हत्या का मामला आया सामने। जनपद उधम सिंह नगर के खटीमा से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार खटीमा क्षेत्र के जमौर निवासी मोहम्मद आरिफ पुत्र अब्दुल करीम उम्र लगभग 30 वर्ष की 17 मील पुलिस चौकी के अंतर्गत सुरई रेंज के जंगल में साइफन के पास गला रेत कर निर्मम तरीके से हत्या करने का मामला प्रकाश में आया है। घटना स्थल पर डेड बॉडी को देखकर क्षेत्र में हड़कंप मच गया तथा लोगों में अफरा तफरी का माहौल बन गया। वहीं सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना स्थल का मौका मुआयना किया तथा शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई के लिए भेज दिया। साथ ही पुलिस मामले की गहनता से छानबीन में जुटी हुई है। वहीं मृतक की मोटरसाइकिल को भी घटना स्थल से दूर मझोला नहर से बरामद कर लिया गया है। मृतक के परिवार में कोहराम मचा हुआ है तथा परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं इस पूरे मामले में खटीमा सीओ भूपेंद्र भंडारी ने बताया कि सूचना मिली कि 17 मील पुलिस चौकी से आगे सुरई रेंज के जंगल में एक डेड बॉडी पड़ी हुई है। घटना स्थल पर पहुँच कर मौका मुआयना किया गया, जहाँ एक व्यक्ति की संभव गला रेत कर हत्या की गई थी, जिसकी पहचान मोहम्मद आरिफ पुत्र अब्दुल करीम के रूप में हुई है। इस मामले में और अधिक जानकारी जुटाई जा रही है। वहीं उन्होंने कहा कि टीम गठित कर हत्या में शामिल व्यक्तियों की तलाश की जा रही है, जल्द ही इस मामले में खुलासा कर दिया जाएगा। हाँ, आज एक डेड बॉडी ये 17 मील चौकी से आगे जंगल में सुरई रेंज के जंगल में जो सरपुड़ा को जाने के लिए जंगल तो के लिए रास्ता जाता है उस जंगल से सरपुड़ा के लिए, उसके बीच में एक डेड बॉडी मिलने की सूचना प्राप्त हुई थी। मौके पर हम लोग वहां पहुंचे तो वो शव का जो है गला रेता हुआ था किसी धारदार हथियार से। शव की शिनाख्त हो गई है, मोहम्मद आरिफ ये जमौर का निवासी है और आगे की जो है विवेचना इसमें पूछताछ और अन्य जानकारी हासिल की जा रही है।